वृश्चिक राशि वालों, आपका आत्मबल मनोबल कमजोर पड़ता उससे पहले ही आपने अपनी माता की शरण में आ जाओ, माता का आशीर्वाद लेते रहो। माता नानुकर करके दिल से जो आपको आशीर्वाद देंगी वो आपके आत्मबल और मनोबल में वृद्धि करेगा। इस बारे में मैं विस्तार से आपसे के साथ चर्चा करूंगा, जिसके लिए अंत तक आप अपना यह आज का राशिफल अवश्य देखते रहें। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समस्त प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके सितारे आपके इर्द गिर्द आजकल, क्योंकि ये राशिफल केवल आज के लिए ही नहीं है, आपके आसपास जो हालात बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये आपके लिए काफी दिन तक के संकेत दे रहे हैं। किंतु मैं तो आपके लिए नित्य प्रति इनमें जो चेंजेस होते हैं उसकी डिटेल लेकर आता हूं और आपकी जन्म कुंडली के हर भाव का फल आसमान के ग्रह गोचर के फल के अनुसार बताने के लिए प्रस्तुत होता हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर से। आज आसमान में जो ग्रह की स्थिति है, वहां वृष राशि में सूर्यदेव, बुध देव, शुक्र देवता और स्वयं चंद्र देवता भी आकर विराजमान हो रहे हैं। यानी चार चार ग्रह एक ही राशि में यहाँ पर यानी वृष राशि में मौजूद हो गए हैं। मिथुन राशि में राहु महाराज विराजमान है, जबकि केतु महाराज धनु राशि में विराजमान है। मकर राशि में शनि देव जी और बृहस्पति देवता दोनों ही विराजमान है और दोनों के दोनों ही वक्री हैं। मंगल देवता कुंभ राशि में विराजमान है और इन्हीं ग्रह गोचर यानी आसमान में उपस्थित ग्रहों का जो फल है वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से निकलता हुआ आप सभी तक आपकी जन्म कुंडली के अनुसार पहुंचता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं और ये मेरा जो राशि फल है एक एक भाव की विशेष जानकारी देने वाला है। आपके साथ जो कुछ घटित होने वाला है उसमें बस अंतर इतना आ जाता है कि आपकी अगर राशि फल आपकी जन्म कुंडली जो है ये फल उसके अनुसार मिलते हैं। आसमान में तो सबके लिए एक जैसे बरस रहे हैं, किंतु जो रिसीविंग जो कैचिंग अथॉरिटी है वो आपकी जन्म कुंडली को, तो आपकी जन्म कुंडली कितना कैच करती है उसमें बैठे हुए ग्रहों के अनुसार उतने ही फल आपको प्राप्त होंगे। कर्म सदैव अच्छे करते रहिए, जितना पुण्य कर्म करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आपके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। फल आपको महसूस हो सकता है कि देर से मिल रहे हैं, लेकिन भगवान के यहां ना तो देर है और ना अंधेर है। मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति चाहते हैं कि मैं या गुरु मां रुक्मणी या स्वामी राज ऋषि निरंतर आपकी हर बर्थडे पर आपको विश करें, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी पर आपको विश करें, या आपके बच्चों की बर्थडे पर उनको विश करें, उनको शुभकामनाएं संदेश हम अपनी तरफ से दें, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में हमारी मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर के लिंक दिया हुआ है उसमें, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर रजिस्टर्ड करिए। तो हम जिन लोगों के लिए आप रजिस्टर्ड करेंगे उन सभी को इसी ऐप के माध्यम से आपको शुभकामनाओं के संदेश पहुंचाते रहेंगे, हमारी ब्लेसिंग्स आपको लगातार प्राप्त होती रहेंगी। हम हर शुभ अवसर पर, चाहे वो आपकी बर्थडे का हो चाहे मैरिज का हो, जिसके बारे में आपने हमें इन्फॉर्म किया हुआ है, इसका लाभ उठाकर अपने जीवन में गुरुओं की ब्लेसिंग्स लेकर खुशहाली लाने का प्रयास करें। यहां आगे बढ़ते हैं हम आज के पंचांग पर। आज विक्रम संवत 2077 22 मई सन 2020 अमावस्या है आज कृष्ण पक्ष के वैशाख मास की। आसमान में कृतिका नामक नक्षत्र का उदय हुआ है, दिन शुक्रवार का है और शोभन नामक योग बना हुआ है। राहु काल आज सुबह 10:04 से लेकर 12:17 तक रहने वाला है, जबकि अभिजीत मुहूर्त जो किसी भी शुभ कार्य को करने का मुहूर्त है वो 11:53 से लेकर 12:41 तक रहेगा। तो इसमें से आप देख लीजिए, अगर राहु काल को घटा के कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।
यहां पर मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों की बदौलत YouTube पर हमारे 14,85,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल को आइकन को दबाकर उसे नोटिफिकेशन के लिए भी क्लिक करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि आप जितने अधिक लोगों के साथ हमारे इस वीडियो को पसंद आने के बाद शेयर करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के जो ज्ञान की गंगा है, जो हमारे संतों ऋषि मुनियों के द्वारा वर्षों की घनघोर तपस्या, जिसे हम आज के शब्दों में तपस्या की जगह रिसर्च वर्ड भी कह सकते हैं, तो रिसर्च के द्वारा उन्होंने जो फॉर्मूले बनाए थे और हमारे धर्म शास्त्रों में वो फॉर्मूले अंकित हुए समय समय पर, उन्हीं के आधार पर ये आपका राशिफल तैयार होता है। उसी को आधार मानकर लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और आप लोगों की परेशानियों में मदद करने में समर्थ हो पाते हैं। तो ज्ञान की इस गंगा को बहाते रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल के साथ। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, परिवारजन आपके नानुकर के बाद भी आपको न सिर्फ मदद करेंगे अपितु अचानक से उनकी वजह से कोई लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। माता के साथ बात करते हैं तो माता के साथ भी थोड़ी सी अड़चन होने के बाद उनका साथ, उनका आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो उनसे आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट का मन पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा विचलित होता हुआ नजर आ रहा है। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता या मेहनत करने के बावजूद अच्छे नंबर नहीं आते, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के माता पिता को मैं गारंटी देता हूं, आने वाली साल से हर साल आपके बच्चे के नंबर पहले से ज्यादा आया करेंगे और उसका मन भी पढ़ने लिखने में लगने लगेगा। या वो युवक युवतियां जो बार बार सरकारी नौकरी के एग्जाम देकर उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार चेक तो कराइए अपनी जन्म कुंडली को। अगर आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो हम तो क्या परमपिता परमात्मा के अलावा उसे कोई और नहीं दे सकता। अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर योग बना हुआ है तो हम निश्चित रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा आपकी भरपूर मदद करेंगे और प्रबल दावेदार बनवाएंगे आपको सरकारी नौकरी के लिए। या वो माता पिता जिनकी संतान उनका बार बार अपमान करती हैं, बेइज्जती करती हैं, ऐसे माता पिता अपनी संतान को अपने प्रेम के वश में रखने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों का सहारा ले सकते हैं और इन सभी उपायों को अपनी परेशानी बताकर डिस्कशन करने के लिए, जानने के लिए और प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर आप एक अपॉइंटमेंट हमारे लिए बुक कराएं, बाकी का कार्य मैं स्वयं देख लूंगा। जिन युवक युवतियों की शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते वाले आते हैं ना पसंद करके चले जाते हैं, उम्र निकलती जा रही है, बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं, ऐसे युवक युवतियों को समझ लेना चाहिए कोई बड़ी प्रॉब्लम है उनकी जन्म कुंडली में, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं आप उन पर हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए, बाकी का कार्य हम आपसे चर्चा करके, आपसे डिस्कशन करके स्वयं करवा देंगे और आप शीघ्रता शीघ्र एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करने के योग्य बन सकेंगे। नमस्ते, मैं बबीता ठाकुर, मयूर विहार फेज 3 से आई हूँ। 2 महीने से मैं यहाँ आ रही हूँ। मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, मैं कुछ कर नहीं पाती थी, चाह के भी कुछ नहीं कर पाती थी। तो एक बार मैंने वीडियो देखा रजनीश गुरु जी और गुरु माँ रुक्मणी माँ गुरु माँ का, तो मैं यहाँ चल के आई, मुझे अच्छा लगा। गुरु माँ ने फिर मेरे लिए उपाय बताया, कुछ रिंग बताई, मैंने वो रिंग ली है और अभी पहनी है। मुझे 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है और फिर मैं गुरु माँ के पास आई हूँ। तो
तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे विश्वास है गुरुजी और माँ रुक्मणी पे, तो मैं प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ शनिपीठ मंदिर में आके, कि जो मैंने चाहा वो मुझे मिला और विश्वास है कि आगे जो मन में है वो भी पूरा होगा। जय शनिदेव। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि एक मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है, अगर मन में विश्वास है तो आप यहाँ आइए और आके एक बार मिलिए गुरुजी और माँ से, तो आपको रिजल्ट खुद पता चलेगा। तो मैं बहुत विश्वास करती हूँ और आज मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरा खुद एक छोटी सी दुकान थी और आज मैंने एक छोटी सी दुकान से मैं एक बड़ी दुकान में आ गई हूँ। मुझे विश्वास नहीं है और अभी भी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आगे कहाँ तक पहुंचूंगी, सिर्फ एक विश्वास है। तो इसलिए आप सभी से यही विनती है कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप यहाँ आए और गुरुजी और माँ से मिले। जय शनि। अब बात करते हैं जो ऑलरेडी शादी शुदा है तो उनकी वजह से निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले युवक युवतियों को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई इन्फॉर्म मतलब कोई सूचना नौकरी प्रमोशन इंगेजमेंट से संबंधित टेंडर इत्यादि से संबंधित प्राप्त हो सकती है और शायद आपको कहीं यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ससुराल पर से अभी भी कोई अशुभ समाचार आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, आपके आसपास घूम ही रही है वो काफी समय से, तो ध्यान रखें इस बात का। और बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के हालात निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के साथ जो आपका मान सम्मान कराते हुए नजर आ रहे हैं और यात्रा की संभावना को भी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात, तो कार्यस्थल के हालात जीवन साथी के साथ मिलकर मैं पहले ही कह चुका हूँ सभी लोग आपको मदद कर रहे हैं तो उस मदद का फायदा उठाइए। आमदनी के हालात में भी आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है तो उस चीज का भी लाभ उठाना अवश्य ही लाभ उठाइएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले उन युवक युवतियों के बारे में हैं जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, चाहे वो वृश्चिक राशि के हैं या किसी और राशि के, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तो ऐसे सभी दंपतियों को समझ लेना चाहिए अब जो समय है वो दवाओं से ज्यादा दुआओं का है और इन दुआओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनसे संबंधित उपायों को करने के लिए आप एक बार स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करिए। शेष कार्य मैं आपकी परेशानियों को समझकर स्वयं कर दूंगा। और अब हम बात करना चाहेंगे आखिर में आपकी सबसे अच्छी बात जो आपको अच्छी लगती है वो है वृश्चिक राशि के प्रेम संबंधों के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी तनावपूर्ण हालत, थोड़ी अप्स एंड डाउन होने की संभावना है, लेकिन अगर आप उसमें निराशा महसूस कर रहे हैं अब चाहे आप वृश्चिक राशि के हैं या किसी भी राशि के क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई धोखा दे रहा है, कोई उनके प्रेम संबंध खराब करना चाहता है, छीनना चाहता है, या पूजा पाठ के द्वारा उनके प्रेम संबंध को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या प्रेम संबंध डेवलप नहीं हो पा रहे कि शादी नहीं हो पा रही है, सालों से प्रेम कर रहे मगर शादी नहीं कर रहे, तो ऐसे सभी निराश युवक युवतियां वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और उसके लिए आपने बहुत कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमारे लिए अपॉइंटमेंट बुक कराइए, शेष कार्य मैं स्वयं देख लूंगा। और ओवरऑल आपके ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए वृश्चिक राशि वालों में आज के हालात के लिए आपको 5 में से 4 स्टार देता हूं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।